हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, CSF। सो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या मतलब है? सेरेब्रो मीन्स ब्रेन, स्पाइनल मीन्स स्पाइनल कोड और फ्लूइड मीन्स एक लिक्विड। सो ये एक लिक्विड या फिर फ्लूइड है जो कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड में फ्लो करता है, वहीं प्रेजेंट रहता है। सो CSF इज अ क्लियर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। क्लियर है, कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट है, फ्लूइड है दैट सर्कुलेट्स थ्रू वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। अब ये कहाँ कहाँ सर्कुलेट करता है, कहाँ कहाँ फ्लो करता है? वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में, सबरेटिनॉइड स्पेस में और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड में। सो सबसे पहले हम देखते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। सो यहाँ पर मैं आपको वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन का ओवरव्यू दे देती हूँ। वैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो जो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रिकल्स का मतलब है होलो स्पेसिस, होलो स्पेसिस का मतलब है खाली जगह या खाली कैविटीज। सो कुछ खाली स्पेसेस हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये कितने होते हैं? 4 वेंट्रिकल्स। सो ये 4 वेंट्रिकल्स में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो प्रोड्यूस भी होता है एंड इसके थ्रू ही पूरे हमारे ब्रेन में भी और स्पाइनल कोड में सर्कुलेट होता है। सो सबसे पहले 2 लेटरल वेंट्रिकल्स। ये 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसमें राइट लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है एंड जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसमें लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये 2 लेटरल वेंट्रिकल के बाद हमारा प्रेजेंट होता है 3rd वेंट्रिकल। 3rd वेंट्रिकल किसके साथ कनेक्टेड होता है? फोरामेन ऑफ मुनरो। सो जो हमारे 2 लेटरल वेंट्रिकल है वो 3rd वेंट्रिकल के साथ फोरामेन ऑफ मुनरो या फिर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के साथ कनेक्टेड रहते हैं। सो फोरामेन का क्या मतलब होता है? ओपनिंग या फिर एक होल। सो फोरामेन के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है। 3rd वेंट्रिकल देन 4th वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड रहता है, किसके थ्रू? सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू। देन 4th वेंट्रिकल में कुछ फोरामेन प्रेजेंट होते हैं यानी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिससे जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो सबअरेकेनोइड स्पेस और स्पाइनल कोड में ट्रेवल करता है। अब हमारा सबअरेकेनोइड स्पेस क्या है? सबअरेकेनोइड स्पेस मेनिंजेस क्लियर होती है ब्रेन की और स्पाइनल कोड की, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कोड को कवर किया हुआ है। मेनिंजेस एक प्रोटेक्टिव लेयर है। मेनिंजेस में 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज आते हैं, ड्यूरा मैटर सबसे आउटर, देन एरेकेनोइड मैटर बीच वाली एंड देन सबसे इनर पाया मैटर। सो जो बीच वाली एरेकेनोइड मैटर है और जो सबसे इनर पाया मैटर है इनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं सब एरेकेनोइड स्पेस। सो 4th वेंट्रिकल से CSF निकल के सब एरेकेनोइड स्पेस में जाता है एंड सेंट्रल केनाल ऑफ स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड में भी जो सेंट्रल केनाल है स्पाइनल कोड की वहाँ जाता है। सो जो हमारा CSF है वो कहाँ कहाँ सर्कुलेट करता है? वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में, सब एरेकेनोइड स्पेस में और सेंट्रल केनाल ऑफ स्पाइनल कोड में। सो जो CSF है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? सबसे पहले इसका वॉल्यूम देखिए तो 100 टू 200 ml इसका वॉल्यूम है। रेट ऑफ फॉर्मेशन, किस रेट पर ये फॉर्म होता है? सो 0.3 ml पर मिनट ये बनता है। इट मींस पर डे कितना बनता है? 600 टू 700 ml पर डे ही बनता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.005 होती है। रिएक्शन इसका जो pH है वो एल्कलीन है, 7.33। अब CSF मैंने बता दिया कि क्या होता है। अब CSF के फंक्शन देख लेते हैं कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन या स्पाइनल कोड में क्यों प्रेजेंट है, इसके क्या फंक्शन है। सो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन को फर्स्ट ऑफ ऑल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। इंजरी से कैसे प्रोटेक्ट करता है? ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है जो कि स्कल बोन जो हमारी ब्रेन की है और ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये CSF अगर कोई इंजरी हो जाए ब्रेन को, कोई ब्रेन को हिट करे, अगर हमारे सिर पर कोई चोट मारे, तो ये जो CSF होता है ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्रेन तक इंजरी को नहीं जाने देता है। ऐसे ही स्पाइनल कोड में सेम फंक्शन करता है। सेकेंड फंक्शन जो हमारा CSF का है वो क्या है कि ये ब्लड CSF बैरियर बनाता है, ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर। ये ब्लड CSF बैरियर का क्या काम है कि ये कुछ मिनरल्स को ब्रेन में जाने देता है और कुछ को नहीं जाने देता। सो ये एक लिमिटेड बैरियर है जो किसी को अलाउ करता है ब्रेन में जाने के लिए और किसी को नहीं। सो इसके थ्रू क्या होता है, एक तो न्यूट्रिएंट्स ब्रेन में जा सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं ब्रेन में वो ब्रेन से बाहर निकाल लेता है। थर्ड इम्पोर्टेंट फंक्शन CSF का क्या है कि ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर बनाने में हेल्प करता है। सो एक यूनिफॉर्म प्रेशर ब्रेन के अराउंड बना रहता है जो कि ब्रेन को किसी इंजरी से प्रोटेक्ट करता है।
सो अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसएफ। सो सीएसएफ किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। सो ये एक फ्लूइड है, तो ऑब्वियसली इसमें वाटर की मात्रा, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। सो वाटर इसमें 99.13% प्रेजेंट रहता है, और कुछ सॉलिड्स बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, दैट इज 0.87% सॉलिड्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। सो जो सॉलिड्स प्रेजेंट रहते हैं वो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है, जैसे कि प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड लैक्टिक एसिड। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स, बायकार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स। अब जो सीएसएफ है उसमें उसमें कुछ लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। सो लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, WBCs के टाइप, जो कि इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ फाइट करते हैं। सो ये लिम्फोसाइट कब सीएसएफ में मिक्स होते हैं या ऐड होते हैं, जब सीएसएफ स्पाइनल कोड में फ्लो करता है। सो स्पाइनल कोड में जब फ्लो करता है तब इसमें कुछ लिम्फोसाइट्स भी ऐड हो जाते हैं। अब ये फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ। सो जो सीएसएफ है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, फॉर्म कहाँ से होता है। सो ये जो वेंट्रिकल्स है ब्रेन में, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीएसएफ। सो वेंट्रिकल्स की लाइनिंग, जो कि इनर लाइनिंग है वेंट्रिकल्स की, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, कोरोइड प्लेक्सस। सो कोरोइड प्लेक्सस क्या है, फॉर्मड बाय कोरोइड प्लेक्सस सिचुएटेड विद इन द वेंट्रिकल्स। सो हर वेंट्रिकल में क्या प्रेजेंट होता है, उसकी लाइनिंग में कोरोइड प्लेक्सस। विद एक्सेप्शन कहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता कोरोइड प्लेक्सस, वो है जो लेटरल वेंट्रिकल का एंटीरियर होन है, यानी फ्रंटल होन एंड पोस्टीरियर होन या ओसिपिटल होन, और जो ये है सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो कि थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट कर रही है, यहाँ पर कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट नहीं होता। अदरवाइज जो वेंट्रिकल्स के सारे स्ट्रक्चर्स है, लाइनिंग है, वहाँ पर कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, जो कि सीएसएफ को प्रोड्यूस करता है। सो कोरोइड प्लेक्सस क्या है, इज अ ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। सो कैपिलरीज या फिर ब्लड कैपिलरीज आप बोल सकते हैं। सो ब्लड कैपिलरीज वहाँ पर प्रोजेक्ट होती हैं कोरोइड वेंट्रिकल्स के अंदर। सो ये एक नेटवर्क है किसका, ब्लड कैपिलरीज का, प्रोजेक्शन कवर्ड बाय जिसको किसने कवर किया हुआ है, पिया मैटर ने और एपेंडिमल सेल्स ने। सो जो सबसे इनर लेयर थी पाया या पिया मैटर, उसने इसको कवर किया हुआ है, एंड कुछ अपेंडिमल सेल्स हैं। अपेंडिमल सेल्स एक तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। सो इन अपेंडिमल सेल्स का ये है कोरोइड प्लेक्सस का स्ट्रक्चर। सो ये एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स है, कैपिलरीज है। सो कोरोइड प्लेक्सस किससे कवर रहता है, अपेंडिमल सेल्स से। ये है अपेंडिमल सेल्स, जो कि क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया। सो ये सीलिया क्या करते हैं, सीएसएफ को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं। सो इनमें एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट इज पायामेटर। सो अब ये है ब्लड। सो ब्लड के बाहर क्या प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स। सो जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये एक तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब है कि इसमें सोडियम की जो मात्रा है, अमाउंट है, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोटेशियम। सो सोडियम कंसेंट्रेशन इसमें ज़्यादा रहता है। सो ये कैसे होता है, जो ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, सो ब्लड कैपिलरीज में जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसको फिल्टर किया जाता है बाय द अपेंडिमल सेल्स। सो ये जो अपेंडिमल सेल्स है इस प्लाज्मा को फिल्टर करते हैं। फिल्टर कैसे करते हैं कि 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं ब्लड से और 2 पोटेशियम आयन अंदर जाते हैं। सो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट मीन्स इसमें एटीपी का यूज़ होता है, एनर्जी का यूज़ होता है। सो ब्लड कैपिलरी से जब प्लाज्मा फिल्टर हुआ तो वो क्या बनता है, सीएसएफ, और सीएसएफ वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेशन, कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ कैसे फ्लो करता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड में। सो ये एक फ्रंट सेक्शन स्कल का दिखाया हुआ है, इसमें ये सेंटर में प्रेजेंट है हमारे वेंट्रिकल्स, ये टू लेटरल वेंट्रिकल, इसके पीछे भी एक वेंट्रिकल है। सो टू लेटरल वेंट्रिकल किसके साथ अटैच है, थर्ड वेंट्रिकल के साथ। थर्ड वेंट्रिकल के साथ ही किसके थ्रू कनेक्टेड है, फोरामेन ऑफ मुंडरो के थ्रू। सो जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल है ये फोर्थ वेंट्रिकल के साथ ही किसके थ्रू कनेक्टेड है, ये जो नैरो डक्ट है जिसको सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। सो फोर्थ वेंट्रिकल, देन हमारा सेंट्रल कैनाल है ये स्पाइनल कोड की। अब ये है आउटर लेयर जिसको मेनिंजेस कहते हैं। सो ये जो सबसे इनर वाली ब्लैक वाली है ये है पाया मैटर, और इसके बाहर वाली ये जो रेड वाली है ये है एरेकनॉइड मैटर, एंड ब्लू वाली है ड्यूरा मैटर। सो जो ब्लैक वाली है पाया मैटर और एरेकनॉइड मैटर, इसके बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, सब एरेकनॉइड स्पेस, जिसमें हमारा सीएसएफ जो है फ्लो करता है। सो ये ग्रीन एरो से मैंने शो किया हुआ है।
अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ CSF इन लेटरल वेंट्रिकल्स। सो जो हमारा लेटरल वेंट्रिकल है, सबसे पहले यहाँ पर मेजर अमाउंट में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो CSF है लेटरल वेंट्रिकल्स में ही प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट है। सो लेटरल वेंट्रिकल में मेजर अमाउंट जो है सबसे ज़्यादा CSF फॉर्म हुआ, उसके बाद थ्रू फोरामेन ऑफ मुनरो थर्ड वेंट्रिकल में ये चला जाता है। सो CSF लेटरल वेंट्रिकल में प्रोड्यूस हुआ और ये है थर्ड वेंट्रिकल। सो लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में जो CSF है वो कैसे आएगा, फोरामेन ऑफ मुनरो यानी एक ओपनिंग के थ्रू, या फिर जिसको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, सो उसके थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में आ गया। अब थर्ड वेंट्रिकल से ये कैसे फ्लो होगा, थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्विडक्ट या फिर एक्विडक्टस सिलिवियस के थ्रू ये फोर्थ वेंट्रिकल में चला जाएगा। CSF ये थर्ड वेंट्रिकल से, ये एक डक्ट है सेरिब्रल एक्विडक्ट, इसके थ्रू ये फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाएगा, CSF फ्लो हो जाएगा। नाउ फोर्थ वेंट्रिकल में थ्री ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। सो ये है फोर्थ वेंट्रिकल, यहाँ पर थ्री ओपनिंग प्रेजेंट है। जो ऊपर वाली दो ओपनिंग है इनको बोलते हैं फोरामेन ऑफ लुश्का, एंड जो नीचे वाली है इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैगेंडाई। सो फोरामेन ऑफ लुश्का एंड फोरामेन ऑफ मैगेंडाई, सो ये क्या है, सेंट्रल अपर्चर है। फोरामेन ऑफ लुश्का एंड फोरामेन ऑफ मैगेंडाई लेटरल अपर्चर है। सो फोरामेन ऑफ लुश्का में जो CSF प्रेजेंट है वहाँ से क्या जाता है, सिस्टर्ना मैग्ना, और फोरामेन ऑफ मैगेंडाई से सिस्टर्ना लेटरलिस जाता है। सो सिस्टर्ना मैग्ना फोरामेन ऑफ लुश्का से CSF लेके जाता है। सिस्टर्ना क्या है, वो है सिस्टर्ना जो कि CSF को सबअरकनॉइड स्पेस में लेकर जाती हैं। सो सिस्टर्ना मैग्ना और सिस्टर्ना लेटरलिस CSF को कहाँ लेकर जाएंगी, सबअरकनॉइड स्पेस में। सो ये सबअरकनॉइड स्पेस है, यहाँ पर CSF को लेकर जाएंगी। अब CSF दो पाथ फॉलो करता है, एक तो है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, CSF यहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल से सीधा सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है और सबअरकनॉइड स्पेस में जाता है। ये फोरामेन के थ्रू सबअरकनॉइड स्पेस में जाता है। सबअरकनॉइड स्पेस के थ्रू CSF हमारा ब्रेन के आसपास भी फ्लो करता है और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास भी फ्लो करता है, मतलब अराउंड द ब्रेन एंड अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। अब सबअरकनॉइड स्पेस में, ये सबअरकनॉइड स्पेस में फ्लो कर रहा है CSF। अब सबअरकनॉइड स्पेस में ये कुछ ग्रैनुलेशंस प्रेजेंट होती हैं, जिसको बोलते हैं एरेकनॉइड ग्रैनुलेशंस या फिर एरेकनॉइड विलाए। सो इन ग्रैनुलेशंस के थ्रू ये जो ग्रैनुलेशंस है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, एरेकनॉइड मैटर में। सो एरेकनॉइड ग्रैनुलेशन के थ्रू ये हमारा CSF जो है कहाँ चल जाता है, सुपीरियर सेजाइटल साइनस। सो ये है सुपीरियर, जो हमारी ड्यूरा मैटर होती है उसकी टू लेयर होती हैं, एक होती है मेनिंजियल लेयर और एक होती है पेरियोस्टियल लेयर। सो जो मेनिंजियल लेयर होती है वो एक इनफोल्डिंग बनाती है, उन इनफोल्डिंग को बोलते हैं साइनसिस, ड्यूरल साइनसिस। जहाँ पर साइनसिस वो होती है जहाँ पर कोई भी वेनस ब्लड या फिर वेनस मटेरियल यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होता है और हमारे हार्ट में चल जाता है। सो यहाँ पर सुपीरियर सेजाइटल साइनस प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर वेनस साइनस प्रेजेंट है। सो एरेकनॉइड ग्रैनुलेशन CSF को कहाँ लेकर जाएगी, सुपीरियर सेजाइटल साइनसिस में, मतलब ड्यूरल साइनसिस में। सो यहाँ पर CSF जाता है और फिर यहाँ पर CNS रीअब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब होकर ये ड्रेन हो जाता है यहाँ पर। सो जिस रेट पर CSF जो हमारा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो जिस रेट पर प्रोड्यूस होता है उसी रेट पर अप्रॉक्सीमेटली वो रीअब्जॉर्ब भी हो जाता है, कहाँ से, सुपीरियर सेजाइटल वेनस साइनसिस या फिर ड्यूरल साइनसिस के थ्रू। नाउ हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ CSF, कि CSF क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। उससे पहले कि CSF एक प्रेशर एग्जर्ट करता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सो प्रेशर एग्जर्टेड बाय CSF, CSF का कितना प्रेशर होता है। सो साइड लाइन पोजीशन, अगर हम साइड में टेढ़े होके लेटे हुए हैं तो प्रेशर रहता है 10 cm ऑफ H2O यानी 10 cm ऑफ वाटर। अगर सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं तो प्रेशर रहता है 30 cm ऑफ H2O, 30 cm ऑफ वाटर। ये प्रेशर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब जो CSF का रीअब्जॉर्प्शन होता है वेनस साइनसिस में, जो हमने पहले पढ़ा ड्यूरल वेनस साइनसिस में, तब प्रेशर की वजह से ही CSF का ड्रेन होता है। अगर CSF का प्रेशर हाई होगा एज कम्पेयर टू द ब्लड प्रेशर, तभी CSF वेनस साइनसिस में ड्रेन होगा। सो ये CSF का जो प्रेशर है कुछ कंडीशंस में इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि कफ करने से या रोने से, क्राई करने से, और अदरवाइज अगर हम इंटरनल
जुगलर वेन, जो इंटरनल जुगलर वेन वो है जो कि जो ड्रेन ब्लड है या ड्रेन CSF है उसको कलेक्ट कर रही है कहाँ से, ड्यूरल वेनस साइनसिस से. सो इंटरनल जुगलर वेन को अगर कंप्रेस कर दिया जाए या वो किसी वजह से कंप्रेस हो गई है तो भी जो हमारा CSF है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. अब इसके फंक्शंस पढ़ते हैं. सो फर्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन. प्रोटेक्टिव फंक्शन कैसे, ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. कोई भी इंजरी या शॉक अगर ब्रेन पे लगा, जैसे कि किसने हिट किया ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को, तो एक तरह का ये कुशन का काम करता है, कुशन का काम करता है और शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है. सो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी नहीं होती है. देन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारे नर्वस टिश्यू को और जो टॉक्सिन्स हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको ड्रेन कर देता है, उनको रिमूव कर देता है. देन है मेंटेन यूनिफॉर्म प्रेशर अराउंड द ब्रेन. प्लस जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होता है, ब्लड CSF बैरियर. सो CSF वो ब्लड में एक बैरियर बन जाता है, उसके थ्रू मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है. न्यूट्रिएंट्स और जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है वो ब्लड CSF बैरियर के थ्रू ही होता है. देन है मेंटेन यूनिफॉर्म प्रेशर अराउंड ब्रेन. सो ब्रेन के अराउंड एक यूनिफॉर्म प्रेशर बनाकर रखता है हमारा CSF. सो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बनाने में भी CSF हेल्प करता है. अगर ये वीडियो आपको समझ आई सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.